हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ऑडियो ट्यूबर। आज हम लोग राइड करने वाले हैं सुजुकी वी स्टॉर्म SX250 को। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके राइडिंग एक्सपीरियंस के बारे में, इसके सस्पेंशन के बारे में, इसकी हैंडलिंग के बारे में, इसके कंफर्ट के बारे में, पिलियन कंफर्ट के बारे में, एज वेल एज राइडर कंफर्ट के बारे में, हैंडल बार के बारे में, वाइब्रेशन के बारे में, ब्रेकिंग के बारे में। तो सारी चीजों के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। प्लस इसका फुल रिव्यू या ओनरशिप एक्सपीरियंस आपको हमारे चैनल पे ऑलरेडी देखने को मिल जाएगा, तो आप जाके वहां पे देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको राइड करते हैं और मैं छोटा सा एक वॉक अराउंड दे दूं। तो आपको ऑल एलईडी हेडलैम्प वगैरह मिलता है, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, रियर में भी डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे और ऑयल कूल्ड इंजन आपको देखने को मिलता है। इधर आपको पिलियन के लिए जगह काफी अच्छी मिलेगी, राइडर के लिए काफी अच्छी जगह है। और बाकी चीजों के बारे में, इसके परफॉर्मेंस वगैरह के बारे में हम बात करते हैं इसको राइड करके। सो इनिशियली बात करें इसके बारे में, जो सिटिंग एक्सटेंशन है इसमें एक्सटेंडर लगा हुआ है हैंडल पे, तो थोड़ा सा अपराइट पोजिशन है, लेकिन नॉर्मल स्टॉक जो हैंडल है वो थोड़ा सा आपको डाउन देखने को मिलता है। सो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, बात करें थोड़ा सा इसके बारे में, बाइक के बारे में, तो इसमें जो इंजन आपको देखने को मिलता है वो सेम आपको जिक्सर 250 SX से, जो SF से इनफायर है, वो सेम इंजन आपको कैरी फॉरवर्ड किया गया है। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। सबसे पहली बात, जब इस बाइक में आप बैठोगे तो आपको सेटिंग पोस्चर है ना, वो आपको काफी कंफर्टेबल देखने को मिलेगा। वहां पे आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है। एक मतलब एक स्ट्रेट पोजीशन आपको मिलती है, जिसकी वजह से ना आपकी इसकी जो सेटिंग का पोस्चर है वो काफी अच्छा है। तो लॉन्ग जर्नीज के हिसाब से आपको उसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नॉर्मली अगर मैं बात करूं इसके कंफर्ट के बारे में, तो राइडर एज वेल एज पिलियन के लिए काफी अच्छी डिसेंट जगह दी गई है। अभी भी भैया बैठे हैं यहाँ पे, तो आराम से आपको मतलब सिटिंग एरिया काफी अच्छा है। नो डाउट कोई भी उसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। सो कम्फर्ट के मामले में थम्स अप है, इजी। सो सस्पेंशन के मामले में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत, जैसे ये ऑफ रोडिंग स्टाइल है उस पर आप करते हो, या स्टैंड होकर भी बाइक को राइड करते हो, तो सस्पेंशन का ट्रेवल अच्छा है, डिसेंट है। थोड़ा सा मतलब अगर हिमालय वगैरह से कंपेयर करेंगे तो फ्रंट का जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा उसका ट्रेवल कम है, तो एकदम से अगर पॉट होल वगैरह आते हैं थोड़ा सा आपको वहाँ पे इश्यू हो सकता है। लेकिन नॉर्मली अगर आप राइड करते हो हाईवे पे, कोई दिक्कत नहीं है। रियर सस्पेंशन के थोड़ा सा स्टिफर साइड है, जिसके कारण से हल्के फुल्के जो शार्प टर्न बम्प्स आएंगे वो आपको फील होंगे, लेकिन उसका एक प्लस पॉइंट भी है, उसके कारण आपको जो इसकी राइडिंग स्टेबिलिटी मिलेगी, हाई स्पीड पे जो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉर्नरिंग मिलती है, वो सारी चीजें बहुत अच्छी देखने को मिलने वाली हैं। सो नॉर्मल ऑफ रोडिंग टाइप में आप ऐसे ट्रैक्स पे, ऐसे उस पर आराम से जा सकते हो। सो गाइज, जैसे आपको पता है कि इस बाइक की जो मार्केटिंग है ना, वो कम्प्लीटली की गई है ऑफ रोडिंग सेगमेंट के हिसाब से। तो पर्सनली अगर मेरी बात करें, ऑफ रोडिंग ट्रैक आप एंजॉय करोगे, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे इसको स्ट्रेट टू दी रॉयल एनफील्ड हिमालय से कंपेयर करोगे, तो वहाँ के कंपेरिजन में थोड़ा सा आपको राइडिंग ऑफ रोडिंग, मैं बोलूँ तो आपको हिमालय वगैरह में ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। छोटी मोटी डिसेंट राइडिंग आप कर सकते हो, डिसेंट ऑफ रोडिंग कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं देगी। हार्डकोर ऑफ रोडिंग में आपको लोअर RPM बहुत अच्छे चाहिए होते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा गियर शिफ्ट करके, डाउन करके थोड़ा सा आपको रेव करना पड़ेगा। सो वो एक चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। एक चीज़ आपको इस प्राइस सेगमेंट में जो एड ऑन की जा सकती थी, जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल है ना, इससे आप मैनुअली ऑफ नहीं कर सकते हो। सो ट्रैक्शन किक इन हो सकता है, नॉर्मल हल्की सी वेट रोड होगी तो वहाँ पे भी मतलब एक ऑप्शन जो था ना ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का, वो एड ऑन किया जा सकता था। सो बाकी सारी चीजें ना मिनिमम ऑफ रोडिंग आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। जॉक्स वगैरह है सच आपको फील नहीं होंगे। सो पिलियन के साथ अगर आप राइड कर रहे हो तो कोई भी दिक्कत उसमें नहीं होने वाली है। सो एज सच अभी ये जो सामने आप ऐसे जो भी ऑफ रोडिंग पैचेस आते हैं ना, आप आराम से कर पाओगे। हल्का सा बस आपको रेव करना पड़ेगा, बाकी कुछ भी नहीं, इजिली ग्लाइड करते हुए वहां से जाती है। सो इस बाइक को लेने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप एक ऐसी बाइक प्लान कर रहे हो ना, ऐसी बाइक प्लान कर रहे हो जो आपको हाईवे पे एक क्रूजिंग वाली अच्छी परफॉर्मेंस दे, साथ ही साथ सिटी में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं दे, एज सच कुछ मतलब हैवी बाइक फील नहीं हो, अभी हीटिंग वगैरह भी ना एज सच कुछ भी नहीं है,
मतलब आराम से आप बिहेव कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो दोनों पर्पज आपको ऑफिस गोइंग के लिए, अगर ऑफिस के लिए चाहिए या ऑफ रोडिंग के लिए चाहिए, मिनिमम ऑफ रोडिंग या अच्छी क्रूजिंग स्पीड क्रूजर बाइक चाहिए, एक मतलब एक चीज, आप एक्सप्लोरर टाइप के इंसान हो, एक्सप्लोर करना चीजों को पसंद करते हो, लॉन्ग जर्नीज पे जाते हो, सो उसके हिसाब से ये बाइक काफी अच्छी है। सो गाइज, हमने बात कर ली इसकी ऑफ रोडिंग के बारे में, ऑफ रोडिंग लिटिल बिट आप कर सकते हो। अब थोड़ा सा ना इंजन के बारे में बात करते हैं कि अगर आपको इसको रेव करके चलाना हो, उन सब चीजों के बारे में कैसी क्या है चलने में। सो तो इंजन के बारे में जैसे हम बात कर रहे थे, इंजन काफी रेव फ्रेंडली इंजन है, आराम से रेड लाइन टच करता है, आपको 5,000-6,000 आरपीएम तक आराम से रेव कर सकते हो। और ये जो इंजन है ना, हाई आरपीएम पे ही अपनी अच्छी पावर जो डिलीवर करता है ना, वो आपको हाई आरपीएम पे ही देखने को मिलेगी। इनिशियली ऐसा लगेगा कि काफी लैगी इंजन है, उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, लेकिन हाई आरपीएम पे एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूं। सो ये इंजन परफेक्टली हाई आरपीएम पे ही आपको अच्छा रिस्पॉन्स करने वाला है। सो इंजन, अगर आपको एक रेव फ्रेंडली इंजन पसंद है ना, काफी अच्छा रहने वाला है इंजन, आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेगा। स्टेबिलिटी के बारे में बात कर ली, सस्पेंशन के बारे में बात कर ली, थोड़ा सा स्टेपर साइड है। एक टर्म से बात करूं अगर इंजन के बारे में, तो आप आराम से, अगर आपको रेव करना पसंद है, आप इसको आंख बंद करके ले सकते हो। काफी अच्छा इंजन है, रेव करने के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है। और लो आरपीएम पे ना ये नॉक वगैरह भी नहीं होता है, हाई गियर पे। एक बार मैं आपको दिखा दूं, अभी फिलहाल पे स्पीड जो है वो 30 something है, फोर्थ गियर है, 23 की स्पीड आराम से चल रही है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है। 2000 आरपीएम पे भी, अभी मैं स्पीड दिखा दूं, थर्ड गियर है और आरपीएम अभी आप देख पाओगे 1000 आरपीएम के आसपास है, आराम से चल रही है, 18 की स्पीड है। तो ये मैंने फोर्थ गियर पे भी स्विच कर दिया है, नॉक नहीं हो रही है, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है। आप सिटी के हिसाब से भी आप इसको प्रेफर कर सकते हो, हाईवे के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, हाई एंड काफी अच्छा देखने को मिलता है। स्पीडोमीटर भी काफी डिसेंट है, मतलब अच्छा विजिबल है, सनलाइट में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बात कर ली इसके सस्पेंशन के बारे में, इसकी राइडिंग के बारे में, इसके इंजन के बारे में, मतलब भाई एक ऐसी बाइक प्लान कर रहे हो लॉन्ग टूरिंग के हिसाब से, प्लस आपका ऑफिस गोइंग वाला जो पर्पस है ना, नॉर्मल कम्यूटर पर्पस भी ये सॉल्व कर सके, सो आप आंख बंद करके इसको ले सकते हो, उसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बात करें अगर इसकी ब्रेकिंग के बारे में, सो आप रियर ब्रेक्स की अगर बात करोगे ना, डिसेंट है। इनिशियल जो बाइट है वो आपको थोड़ा सा मिसिंग मिलेगी, सो ब्रेकिंग के मामले में है, हमने पूरी वीडियो जो बनाई है ब्रेकिंग के मामले में, उसमें आपको समझाया ब्रेकिंग वगैरह थोड़ा सा बेटर हो सकती थी। बात करें अगर फ्रंट ब्रेक्स के बारे में, सो फ्रंट ब्रेक्स की बाइक काफी अच्छी है और सस्पेंशन का ट्रेवल ज्यादा नहीं है, तो फ्रंट में जो आपको नोज ड्राइव वगैरह है वो आपको कम देखने को मिलती है, सो आपको ब्रेकिंग के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सो ओवरऑल बात करें किन लोगों के लिए बाइक है, कंप्लीट राइडिंग मैंने आपको दिखा दी, सस्पेंशन के बारे में बात कर ली, ब्रेकिंग के बारे में बात कर ली, एक चीज और बता दूं, इंजन कट ऑफ आपको देखने को मिलता है, तो स्टैंड लगाने के बाद आपका इंजन टर्न ऑफ हो जाएगा, सो वहां पे कोई इशू नहीं है। बात करें किन लोगों के लिए ये बाइक बेटर रहने वाली है, सो अगर आपका एक पर्पस है, मतलब एक बाइक ऐसी आप देख रहे हो जो जिसपे आप लॉन्ग जर्नी कर सको इजिली, आप ले सकते हो इसको। इंजन का जो परफॉर्मेंस है ना वो हाई आरपीएम पे अच्छा है, काफी अच्छा मतलब ट्यूनअप किया गया है, उस हिसाब से काफी अच्छा रिस्पॉन्स करती है, सो वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके हिसाब से भी आप ले सकते हो। प्लस इसके एग्रेसिव लुक्स है यार, मतलब लुक्स देखोगे आपको, और ये खासकर कलर इसका येलो कंप्लीटली स्टैंड आउट होगा पूरी भीड़ से, तो वहां पे भी आपको एक प्लस पॉइंट मिलने वाला है। बाकी कैसी लगती है आपको बाइक, प्राइस सेगमेंट के हिसाब से जो जो फीचर्स मिलते हैं, स्लिपर क्लच वगैरह नहीं मिलता है, ब्रेक्स अच्छे हो सकते थे, सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफर साइड है, बाकी आप बिल्ड क्वालिटी वगैरह देखो, फिट एंड फिनिश देखो कितनी अच्छी है, एक भी आपको पैनल गैप्स नहीं मिलते हैं, और एक कुछ भी ना अलग से रैटलिंग नॉइज नहीं आएगी। सो ये सारी चीजें थी इस बाइक के बारे में, ओवरऑल फुल वीडियो ओनरशिप एक्सपीरियंस आपको इधर आई बटन में देखने को मिल जाएगा, आप वहां जाके वीडियो को देख सकते हो। ये था इसका शॉर्ट टर्म राइडिंग रिव्यू, कैसा लगा गाइज आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपका क्या मानना है इस बाइक के बारे में, सारी चीजें हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। सो वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में।